नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां उत्तर भारत के सबसे बड़े सिद्ध पीठ दुधेश्वर नाथ मंदिर परिसर में 5100 दीपकों की माला सजाकर मनाया श्री राम जन्मभूमि भूमि पूजन का जश्न। पूरा देश राम जन्मभूमि पूजन की खुशियां मना रहा है, तो ऐसे में गाजियाबाद भी अछूता नहीं है। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में 5100 दीप जलाकर और मंदिर को सजाकर राम जन्मभूमि का उत्सव मनाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से लोग हर्षोल्लास से भरे हुए हैं। सभी के चेहरे पर एक अलग से खुशी दिखाई दे रही है, और वह खुशी है इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनने की, जिसका इंतजार 500 वर्षों से कर रहे थे। गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड। पाँच सौ वर्ष बाद अयोध्या राम मंदिर का आज शिलान्यास हुआ है, हाँ। क्या कहेंगे? ये राम जन्मभूमि का इतने वर्षों के संघर्ष के बाद में जो है अभी विराम की ओर, आज के शिलान्यास के बाद, जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया अयोध्या जी में, तो कल से मंदिर बनना आराम हो जाएगा और ये 2 साल के 2.5 साल के अंदर में मंदिर बन के पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। निश्चित रूप से संपूर्ण भारतवासियों को ये बहुत खुशी और आनंद की बात है। हमने पूरा दिवाली के रूप में गाजियाबाद में पूरा बनाने के लिए हमने जो है यहाँ पर 5100 दिए जो है जलाए हैं, और भगवान को पूरा यहाँ जितने भी पूरा मंदिर में जैसा दिवाली सजाते हैं उसी तरह से, तो ये दिवाली से भी ज़्यादा खुशी का दिन है, आनंद का दिन है, तो हम लोगों के लिए बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत खुशी की बात है कि इतना वर्षों के बाद मैं भी राम जन्मभूमि से 35 साल से जुड़ा हुआ था, तो आज बहुत ही आनंद और हर्ष का विषय है कि हमारा जो एक सपना हमने देखा था वो जो है, वो संकल्प जो एक तरफ जो लिया था वो अभी पूर्ण, मतलब एक तरह से पूर्ण हो गया है, और जो है मंदिर बनना कल से आराम हो जाएगा। सर, एक महंत होने के नाते किस तरीके से पूरा अयोध्या? ये एक महंत होने के नाते कि हमने हमेशा से गांव-गांव में जाते थे, पहले अपने हाथों से दरी बिछाते थे, अपने हाथों से हवन वगैरह करते थे, पूजा करते थे, लोगों को बुलाते थे, और पहले गांव में जल्दी से लोगों का जो रुझान उस तरफ नहीं था, तो हम पहले हवन करते थे, फिर उसके बाद प्रवचन करते थे, फिर अपने छोटे मोटे सत्संग रखते थे। इस तरह से जो है हमने गांव-गांव में जो है पूरे भारतवर्ष में सब गांवों में यात्रा निकालते थे, कभी 1 महीने की, कभी 15 दिन की, कभी 1 हफ्ते की, तो हमारा अलग अलग जगह पर जो है सभी तरह ड्यूटी लगती थी। पूरा भारतवर्ष में हमने जो है पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा यात्रा जो है पूर्ण रूप से हमने करीब उस यात्रा में 28,000 के आसपास किलोमीटर की यात्रा किया, अपने वाहनों से, रेल से, बस से, ट्रेन से, और हमें विश्व हिंदू परिषद है, भारत साधु समाज है, और हिंदू महासभा के माध्यम से जो है वो पूरा हम कार्य जो है पूरा भारत में जो है हम करते हैं।